उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। शस्त्र फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ करते हुए 1412 शस्त्र की बरामद की गई है तथा इसमें लिप्त 2040 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध शराब के कारोबार को दृढ़ता से उन्मूलन करते हुए 7,85,191 लीटर अवैध शराब की बरामदगी करते हुए 18,888 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इसी प्रकार 2,768 अवैध शराब फैक्ट्रियों को नष्ट करते हुए अवैध शराब निर्माण में लिप्त 2,981 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है। इसी क्रम में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से 75,159 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई है। कुल 2,11,468 चालानी रिपोर्ट प्रेषित करते हुए 27,32,966 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई का चालान भेजा गया, जिसमें से 18,30,217 संदिग्ध व्यक्तियों को शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पाबंद कराया गया है। पूर्व के चुनावों में अपराध में लिप्त रहे 5,171 व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। प्रदेश में 2,892 स्थानों पर बैरियर लगाकर चेक पोस्ट बनाकर सतत चेकिंग कराई जा रही है। पंचायत चुनावों में लाइसेंसी शस्त्रों का दुरुपयोग की आशंका के मद्देनजर कुल 6,49,428 लाइसेंसी शस्त्रों को थाने अथवा शस्त्र की दुकानों में जमा कराया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस इन चुनावों को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप कराने के लिए दृढ़ संकल्प एवं कटिबद्ध है। वर्तमान में प्रचलित कोरोना महामारी की चुनौतियों से निपटने एवं पुलिस कर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु विस्तृत दिशा निर्देश मुख्यालय से जारी किए गए हैं। जनपद के फ्रंटलाइन पुलिस कर्मियों तथा पुलिस कार्यालयों के स्टाफ को पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स, मास्क आदि प्रदान किए गए हैं। जनपदीय पुलिस प्रमुखों को थाना, बैरकों, पुलिस आवासों तथा पुलिस लाइन की नियमित रूप से सैनिटाइज कराया जा रहा है और इसको कराए जाने का समुचित प्रयास किया जा रहा है। तो इसी के साथ अभी आपने सुना कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार यहां पर बता रहे थे कि किस प्रकार से पंचायत चुनाव में आगे रणनीति बनाई गई, किस प्रकार से तैयारियां की गई हैं।